कौन सा शो बना है इस हफ्ते बाघ की टीआरपी लिस्ट में नंबर वन? अनुपमा, कुंडली भाग्य, नागिन या फिर कोई और शो? जी हां, बाघ की 45वें हफ्ते की टीआरपी रिपोर्ट आ चुकी है, जिससे उन पांच शोज के नाम सामने आ चुके हैं जो सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स के साथ दूसरे शोज को पीछे छोड़ चुके हैं। हालांकि इस बार भी नागिन 5 टॉप 5 की लिस्ट से बाहर है। वहीं छोटी सरदारनी और बैरिस्टर बाबू भी पिछली बार की तरह इस हफ्ते टॉप 5 लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। तो कैसी है बाघ की 45वें हफ्ते की रिपोर्ट, जल्दी से बताते हैं आपको। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं नंबर 5 के पायदान पर आए शो से। तो एक बार फिर से ऑडियंस को अपने मजेदार पंच से लोटपोट करने वाला शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा ने बाजी अपने हाथ में लेते हुए दूसरे कई शोज को पीछे धकेल दिया है और हासिल किए हैं 5,185 रेटिंग पॉइंट्स। और इसी के साथ इस शो ने साबित कर दिया कि सालों बाद भी शो से ऑडियंस कितना प्यार करती है। फोर्थ पोजीशन पर जो इस बार है वो है सोनी टीवी का डांस रियलिटी शो इंडियाज बेस्ट डांसर विद 5,411 रेटिंग पॉइंट्स। हालांकि देखा जाए तो पिछले हफ्ते ये शो दूसरे नंबर की पोजीशन पर था, लेकिन जिस तरह से शो इस हफ्ते भी बाघ की लिस्ट में आगे हैं, उससे इतना तो साफ है कि ऑडियंस शो को काफी पसंद कर रही है। हालांकि अब शो का फिनाले भी जल्द ही आने वाला है और इसलिए भी लोगों में शो को लेकर बस कुछ ज्यादा ही बना हुआ है। तीसरे नंबर पर जो शो है वो है अभी प्रज्ञा की कहानी से सजा शो कुमकुम भाग्य, जिसे कुल रेटिंग पॉइंट्स मिले हैं 6,235। देखा जाए तो ये शो भी पिछले कई हफ्तों से लगातार टीआरपी में बना हुआ है, जिससे शो के स्टार कास्ट के साथ साथ फैंस भी लगातार खुश हैं। वही दूसरे नंबर पर जो शो है वो है धीरज धूपर और श्रद्धा आर्या स्टारर शो कुंडली भाग्य। हर बार की तरह इस बार भी शो ने कमाल कर दिखाया है और इसे मिले हैं 7,175 रेटिंग पॉइंट्स। और अब आपको बताते हैं इस हफ्ते के उस शो के बारे में जो सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स हासिल करके बन गया है नंबर वन। तो एक बार फिर से रूपाली गांगुली स्टारर शो अनुपमा ने लोगों को हैरान करते हुए नंबर वन का खिताब अपने नाम कर लिया है और हासिल किए हैं सबसे ज्यादा रेटिंग पॉइंट्स 8,547। वल अनुपमा के फैंस को पहले ही उम्मीद थी कि ये शो ही इस बार भी नंबर वन की पोजीशन हासिल करेगा। तो ये थी इस हफ्ते की टॉप 5 शोज की टीआरपी रिपोर्ट। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई टीआरपी रिपोर्ट के साथ।